अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुलियात अदविया के क्लासेस का सिलसिला जो चल रहा है उसमें आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो है मिजाज अदविया, टेम्परमेंट ऑफ ड्रग्स। इससे पहले कि मैं मिजाज अदविया के बारे में शुरू करूं, लास्ट क्लास में जो बात हुई थी उसके ताल्लुक से मुख्तसर सा बताना चाहता हूँ। वो ये है कि लास्ट क्लास में जो ये माखज़ अदविया के ताल्लुक से बताया था, माखज़ अदविया कहते हैं दवाओं को हासिल करना या दवाओं के हुसूल या सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। जो दवाएं हम हासिल करते हैं वो तीन ज़राए से हासिल करते हैं, जैसा कि नबातात, हैवानात और जमादात। नबातात जैसे कि छोटे छोटे पौधे से लेकर बड़े पेड़ तक का जितने भी शजर होते हैं, पौधे होते हैं, बूटियाँ होते हैं, इन सब के सब उसके अंदर शुमार है। और जो दवाएं हम नबातात से हासिल होते हैं उसमें से पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं और तुख्म होते हैं और जड़ें होते हैं और जो पेड़ों के छाले उसके अंदर शुमार होते हैं। उसी तरह से हैवानाती दवाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से मुख्तलिफ जैसा कि उनके हड्डियाँ होते हैं, सींग और मुख्तलिफ़ कीड़े मकोड़े जैसा कि केचुए हैं और खेकड़े हैं और इस तरह से, और जो है सदफ जिसको कहते हैं, एक जानवर का खौल होता है, और उसी तरह से अंबर है जो कि मछली के गलफड़े से हासिल किया जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ़ हैवानी दवाओं को भी हम बतौर दवा के इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जमादात में धातें होते हैं जैसा कि चांदी है, सोना है और फौलाद, और उसके अलावा मुख्तसर हजरियात और मिट्टियों को भी बतौर दवा के हम इस्तेमाल करते हैं। तो और उसके ये इन तीनों को मिलाकर हम मवालिदे सलासा कहते हैं। तो अब उसके बाद जो है दवा की तारीफ भी बोला था। दवा किसको कहते हैं? बदन में दाखिल जो ग़ज़ाएँ हम खाते हैं वो जो है बदन में दाखिल होने के बाद अपना असर बताकर और जो मौजूदा कैफियत को, मर्जी कैफियत को दूर करके सहीयत कैफिया पैदा करते हैं और मर्जी कैफियत मर्जिया को दूर करके कैफियत सहिया पैदा करते हैं, यानी मर्ज को दूर करके सेहत पैदा करते हैं। तो उस और पैदा करके जो है और अपने मुख्तसर अपने मुकर्रा वक्त तक बदन में रहकर बदन से खारिज हो जाते हैं, तो उनको हम ऐसी चीज़ों को दवा कहते हैं। और ग़िज़ा किसको कहते हैं? जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो जो है बदन में अपने पाई जाने वाली हरारत से और रतूबात से मुतासिर होकर ये जो है खून में तब्दील होकर ये अज़ाओं का जुज़ बन जाते हैं, अज़ाओं का हिस्सा बन जाते हैं, अज़ाओं को बदल मा तहलील फराहम करते हैं, अज़ाओं को जो है तग़ज़िया पहुँचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग़िज़ाएँ होते हैं। तो ग़िज़ा और दवा में फ़र्क क्या है? ग़िज़ा बदल मा तहलील फराहम करती है, दवा जो होती है वो अपना असर बता के बदन से खारिज हो जाती है। इन सब चीज़ों के अलावा और दो चीज़ें मैं बताया था, ग़िज़ाए दवाई और दवाए ग़िज़ाई। ग़िज़ाए दवाई वो चीज़ होती है जिसके अंदर ग़िज़ाइत ज़्यादा हो और दवाइत कम हो, उसको हम ग़िज़ाए दवाई कहते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें जो रोज़मर्रा हम ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, चावल है, गेहूँ है, जवार वग़ैरह और गोश्त और दूध वग़ैरह, इन सब जो है ग़िज़ाए दवाई के अंदर इसका शुमार होता है। देखिए ये ग़िज़ाएँ जितने भी हम जो ग़िज़ाएँ जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं जिसमें भाजी, साग वग़ैरह, हरी सब्ज़ियाँ होते हैं, इनके अंदर विटामिन्स वग़ैरह पाए जाते हैं और सारी ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वग़ैरह पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ग़िज़ाइत के साथ साथ अपने जो है अपने अज़ाए मुअस्सरा से असर करके बदन में पाए जाने वाली छोटी मोटी बीमारियों को भी दूर करते हैं, लिहाजा इनको हम कहते हैं ग़िज़ाए दवाई। और इसी तरह से जो दवाई ग़िज़ाई होती है उनको ख़ास तौर से हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर कुछ ग़िज़ाइत भी पाई जाती है, तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम दवाई ग़िज़ाई कहते हैं। तो ये रहा ग़िज़ाए दवाई और दवाई ग़िज़ाई। इसके ज़ेल में हमने एक और चीज़ बताया था, ज़ुल्ख़ासा। ज़ुल्ख़ासा किसको कहते हैं?
देखिए, अतिबा ने दवाओं की दो किस्मों को तकसीम किया है। दो किस्मों में से एक किस्म वो है जो जिनकी नवाइयत अमल हमको मालूम है, और उसी तरह से एक और किस्म दवाओं की वो है जिनका मोड ऑफ एक्शन या नवाइयत अमल हमको नहीं मालूम है। तो जिन दवाओं का मोड ऑफ एक्शन नहीं मालूम है, ऐसी दवाओं को अतिबा ने ज़ुल्खासा की इस्तिलाह से ताबीर किया है। चलिए, अब ये रही कल की बात। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इसके बाद, ये सारी चीज़ों के बाद जो एक अहम उनवान है कुलियात अद्विया के अंदर, वो है टेम्परमेंट ऑफ ड्रग्स। ये एक अपने आप में एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये कुलियात अद्विया के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये टेम्परमेंट ऑफ ड्रग क्या है, जिसको कहते हैं, सबसे पहली चीज़, जैसा कि सारी चीज़ें जो कि सारी कायनात, सारी मखलूक, आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में अरकान, जो चार अरकान अहम है उन्हीं से जो ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। तो जो मिजाजें आप पढ़े हैं, हार, बारिद, याबिस, रतब, यहाँ पर मैं लिखा हूँ हरारत, रतुबत, बरूदत और यबूसत, ये चार ही जो है अहम मिजाज कहलाते हैं। इन्हीं से सारी चीज़ें बनी हैं, जो कि चार अनासिर जो है, हवा, पानी, आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये चार अनासिर से ही सारी मखलूकात बने हैं। और हम जो दवाएं हासिल कर रहे हैं, हमारे जो सोर्सेस ऑफ ड्रग है, वो सब के सब इन्हीं से हासिल होते हैं। तो फिर जो है इन दवाओं में भी वो मिजाजें जो है पाए जाना लाजिमी है। तो इसी तरह इसमें भी वो सारी मिजाजें पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर मिजाजें जो है मुफर्रद मिजाजें और मुरक्कब मिजाजें हैं। मुफर्रद मिजाज किसको कहते हैं, जो कि चार है, हार, बारिद, याबिस, रतब। उसी तरह से मुरक्कब मिजाजें हैं, हार याबिस, हार बारिद, और बारिद याबिस, बारिद रतब। ये मुफर्रद, चार मुफर्रद और चार मुरक्कब मिजाजों की किस्में होते हैं, जो कि ये मिजाजों की किस्मों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे तिब्बे यूनानी में इसका ये चीज़ें जो है बहुत अहमियत रखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, और हम हर जगह ये आते रहते हैं। तो इसी तरह अब आगे चलते हैं, मिजाज की किस्में हैं। अब तो मिजाज तो बात समझ में आ गई, तो क्योंकि दवाओं में मिजाज पाई जाती है, दवाओं के अंदर की मिजाज के बारे में इल्म रखना और उसको याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से जो है, इस दवाओं के मिजाजों से ही इलाज व मुआलजा किया जाता है, मुआलजा होता है। और जो है इनकी मिजाज, यानी अगर हम कहते हैं कि अगर किसी दवा के मिजाज का मतलब क्या है, जब हम किसी दवा के बारे में कहते हैं कि ये दवा गर्म है या ये दवा सर्द है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवा को छूने से गर्मी गर्म लगता है या फिर दवा को छूने से जो है सर्दी महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि दवाएं वारिद बदन होने के बाद, बदन में दाखिल होने के बाद जो है वो अपना असर जो दिखाते हैं वो गर्मी पैदा करते हैं, और जो दवाएं बदन में वारिद होने के बाद अपने असर से सर्दी पैदा कर देते हैं, तो ऐसी दवाओं को हम सर्द दवाएं कहते हैं। दवाओं के मिजाज का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं, उसकी दो किस्में हैं। देखिए, मिजाज अद्विया को दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर मैं पहले से एक आप लोगों के लिए डायग्राम बना रखा हूँ, इसमें मुख्तसर सा जो है समझाता हूँ आज, फिर जो है उसके बाद की नेक्स्ट क्लास में इसको तफसील से थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आगे जो है मिजाज अद्विया है, मिजाज अद्विया की जो दो किस्में हैं, एक मिजाज उला, दूसरा जो है मिजाज सानी है। मिजाज उला किसको कहते हैं, मिजाज सानी किसको कहते हैं, इसको समझाने से पहले मैं तीन मिसालें आपको देना चाहता हूँ। ये 10-15 मिनट की वीडियो में मैं जो है आपको अच्छे तरीके से समझा नहीं पाता हूँ, आप सुन लीजिए, कुछ बुनियादी बातें मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जो है आप भी जो है अपना होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क में जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, तब जाके आप पूरे तरीके से आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा सरसरी तौर पर आपको समझा देता हूँ, जो है मिजाज उला, मिजाज उला का मतलब है, तो मिजाज उला मिजाज सानी को समझने के लिए तीन मिसालें मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक जो है नबातात में से एक मिसाल ले लीजिए, कोई भी एक को जड़ी बूटी की दवा, फल या फूल, कोई भी एक ले सकते हैं उसमें से। चलिए बाबुना को ले लीजिए, जो कि मशहूर मिसाल है, किताबों में मिल जाती है, बाबुना है। और उसके साथ साथ जो है देखिए बाबुना जो है यहाँ पर ऐसा होता है, बाबुना मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक बाबुना है, और एक दूसरी चीज़ ले लीजिए पानी, और तीसरी चीज़ आप ले लीजिए दूध,
ये जो है आप क्या बोलेंगे इनको, मुफर्रद दवाएं बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, एक सिंगुलर ड्रग्स है, सिंगुलर ड्रग्स कहेंगे बाबू नागू पानी को, दवा को। लेकिन मैं कहता हूँ ये सिंगुलर ड्रग्स नहीं है, ये कोई जो है कंपाउंड ड्रग्स है। आप बोलेंगे साहब कैसा बताइए, आप उसको कंपाउंड ड्रग कैसा कहते हैं, तो यही बात और यहाँ पर बताई जा रही है कि देखिए बाबू ना के जो अजाए मुबसरा है इनके अंदर जो है, इसके दो खवास है, इसके दो असरात है। ये जो है एक खाबिस असर करता है, एक खाबिस असर करता है तो दूसरा जो है मुहल्लिल असर भी करता है, राइट। तो दो तासीरें, एक अगर मुफर्रद दवा होती तो उसके दो तासीरें किस तरह होते हैं, एक तो खफ्स पैदा करता है, दूसरा जो है मुहल्लिल असर भी रखता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि इस दवा के अंदर दो ऐसे जुज, दो ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो दो अलग अलग तासीरात रखते हैं, एक खब्स पैदा करता है, एक मोहल्ली रखता है। तो लाजमी है कि दो जब दो अज्जा होते हैं, इनके दो तासीरात होते हैं, तो उनके दो मिजाज भी होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर इसके दो मिजाज हो गए और दो तासीरात हो गए। तो अब पानी को ले लीजिए, पानी को जो है जैसा कि अब अरकान में पढ़े, एक रुकन है पानी जो है, एक सब्सटेंस है पानी जो है। अब आज के इस जदीद दौर में आप पानी को एक सब्सटेंस नहीं कह सकते हैं, पानी के जो अंदर है, जो इसके अंदर पानी के अंदर जो केमिकल क्या होते हैं का जो है उसके केमिकल, एक फार्मूला आप ले लीजिए, एलिमेंट्स ले लीजिए, केमिकल केमिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं पानी के, दो चीज़ें होते हैं, एक जो है हाइड्रोजन है और दूसरा जो है ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें इसके जो है केमिकल एलिमेंट्स हैं। तो अब ये सिंगुलर ड्रग कैसा हुआ, तो ये जो है इसके इसके भी अलग अलग मिजाज हैं और अलग अलग इनके तासीरात होते हैं। अब आगे चलिए, ये दूध की आप मिसाल देता हूँ मैं, दूध है, दूध के अंदर पानी है और दूध के अंदर पनीर है और दूध के अंदर रोगन भी है। रोगन क्या है, घी है। घी किससे हासिल करते हैं हम, दूध से हासिल करते हैं, और उसके अंदर पनीर भी है और पानी भी है। तो हम इसको जो है सिंगुलर ड्रग नहीं कह सकते हैं, ये भी जो है एक कंपाउंड ड्रग ही है। तो इसके अलग अलग मिजाजे हैं। तो अब आपको यहाँ पर मिजाज ओला और मिजाज सानी को समझना आसानी होता है। देखिए मिजाज ओला कौन सा हुआ, इसकी मिजाज अलग है, इसकी मिजाज अलग है, इसकी मिजाज अलग है, ये मिजाज इनकी मिजाज मिजाज ओला कहलाती है। एक सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले अज्जाए तरकीबी, ये तीन चीज़ें हुए, इसके अज्जाए तरकीबी हुए। तो ये अज्जाए तरकीबी के अलग अलग मिजाज होती है, तो इसको मिजाज ओला कहते हैं। अब ये तीनों को अगर मिलाते हैं तो जो मिजाज बनती है उसको मिजाज सानी कहते हैं, राइट। अब इसी तरह से पानी के ये जो अलग अलग हैं, इनके अलग अलग मिजाजे होते हैं, तो इनकी अलग अलग सब्सटेंसेस की जो मिजाज है, मिजाज उला हुई। और फिर अब ये दोनों को मिलाकर एक नई मिजाज बनती है, तो उसको कहते हैं मिजाज सानी, सेकेंडरी टेम्परमेंट। और बिल्कुल उसी तरह से बाबुना का जो मिजाज है, बाबुना का जो असली मिजाज है, हार या भेस, उसको उसका जो वो मिजाज जो है मिजाज सानी हो गया। तो तमाम दवाओं के, मुफर्रद दवाओं के जो मिजाज हैं, वो सब के सब जो है मिजाज सानी ही कहलाते हैं। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि मुफर्रद दवाओं के अंदर जो मिजाज हैं वो सब के सब जो है मिजाज सानी ही है, जो कि उस मिजाज गुला से मिलकर बनाते हैं, राइट। तो मिजाज सानी, तो मिजाज उला को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मिजाज उला है, ये कुदरती तौर पर उन चीज़ों के अंदर मिजाज पाई जाती है और नेचुरल तौर पर उसको हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर जो है, और ये और यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी जो टेम्परमेंट है मिजाज सानी भी, इसके दो और जो है किस्में हैं। मिजाज सानी है, मिजाज सानी का मतलब तो मालूम हो गया कि एक सॉलिड ड्रग का जो मिजाज होता है उसी को मिजाज सानी कहते हैं। तो मिजाज सानी मुस्तहकम और मिजाज सानी गैर मुस्तहकम। मिजाज सानी मुस्तहकम क्या है, एक मुस्तहक यानी नाम से ही पता चलता है कि मिजाज सानी मुस्तहकम है। मुस्तहकम कहते हैं जम जाना, खाइम रहना, हार्ड रहना,
जिसको जिसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं मिजाज सानी, उसको कहते हैं मुस्तहकम। और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मिजाज गैर मुस्तहकम, मिजाज गैर मुस्तहकम का मतलब क्या है, मुस्तहकम नहीं रहते हैं, जम के नहीं रहते हैं, और इसके अंदर जो है रद्दोबदल कर हम जो है इसको रद्दोबदल कर सकते हैं। तो इसको है मिजाज, ये जो है सॉफ्ट होते हैं तो इसको मिजाज सानी गैर मुस्तहकम कहते हैं। मिजाज सानी गैर मुस्तहकम की फिर तीन किस्में हैं, रिखु मुतलक, रिखु जिद्दन और रिखु बाफरात। रिखु मुतलक, रिखु जिद्दन और रिखु बाफरात। रिखु जो है मिलावट को कहते हैं, मुतलक जो है ढीली ढाली मिलावट। रिखु मुतलक, रिखु जिद्दन, रिखु बाफरात क्या है, ये तरकीब इस दवा का, इस दवा के अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं, इस दवा के अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं, ये अज्जा के जो तासीरात होते हैं, ये अज्जा उतने मजबूत नहीं होते। यहाँ पर हार्ड की बात बोल रहा हूँ मैं, बाज़ में हार्ड रहते हैं बाज़ दवाओं में, तो उनको कहते हैं मुस्तहकम, और जिन जो हार्ड नहीं रहते उनको गैर मुस्तहकम कहते हैं। इसकी मिसालें क्या हैं, मुस्तहकम की मिसालें हैं सोना, चांदी, कापर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये धातें जो हैं इनकी मिजाज को हम किसी भी तरीके से, सॉरी इनके अज्जाए तरकीबिया को हम किसी भी तरीके से जुदा नहीं कर सकते। आई बात समझ में, चलिए अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो है मुस्तहकम है, मुस्तहकम की जो किस्म है, इस किस्म के जो दवाएँ होते हैं उनकी मिजाज बहुत ही मजबूत तरीके से एक दूसरे के अंदर मिली हुई होती है, इनको किसी भी तरीके से जुदा नहीं कर सकते हैं। उनकी मिसालें हैं सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह, तांबा, पीतल वगैरह वगैरह, तो इनको जो है हम अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है ये इसकी मिजाज, ये एक एक चंद दवाओं का गुरु ऐसा है जिनके जाए तरकीबी को हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब उनकी जो तरकीब है दवाओं की, मिलावट की, इस्तेहकाम की, मुस्तहकम होने की, वो तीन तरीक़ों से। बाज़ दवाओं के अंदर उनकी मिलावट, उनकी अहम आहंगी और उनके अंदर पैजान और तो हम आहंगी जो होती है वो तीन तरह से होती है। किसी के अंदर इतनी ढीली होती है तो उसके बाद जो है बाद में थोड़ा मजबूत होती है और बाद में और भी थोड़ा सा जो है मजबूत होती है। यहाँ पर देखिए ये रखो मुतलक कहते हैं मजबूत तरकीब इससे, और इसके बाद जो है ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ढीली तरकीब, और ये जो है इससे थोड़ा ढीली तरकीब होती है। अब यहाँ पर एक मिसालें हैं, ये सब जो है इसको मैं तफसील से आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, अभी जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। चलिए खुदा हाफिज़।